वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोच्चैः मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। दंडवत प्रणाम। तो श्लोक का जो है मीनिंग ध्यान से सुनिएगा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसे कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पत कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान जो है जीवात्मा से संबंधित जो है अपना अंतिम निर्णय अर्जुन को दे रहे हैं। क्या कि शोक
और जो अर्जुन का शोक है उसको दूर कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पिछले 11वें श्लोक से लेकर इस श्लोक तक है ना कितने 20 श्लोक हो गए। तो पिछले 20 श्लोकों में भगवान ने ये उपदेश दिया है आत्मा के बारे में, और इस श्लोक में जो है भगवान ने दो शिक्षाएं दी हैं। हम उन दोनों शिक्षाओं पे आज चर्चा करेंगे। पहला शब्द है यहाँ पे जो भगवान कहते हैं यहाँ पे, देही नित्यम अवध्या अयम देहे सर्वस्य भारत। पहली लाइन में तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, यानी हे अर्जुन सबकी देह में देही सदा अवध्य है, देही और देह। तो देही कहा गया है आत्मा के लिए और देह कहा गया है शरीर के लिए। तो कह रहे हैं कि जो सबकी देह है उसमें जो देही है वो सदा अवध्य है, यानी उसका बद्ध नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भगवान जो है दो शब्द यूज कर रहे हैं, एक देही और देह, और दोनों शब्द जो है आपस में बहुत क्लोज हैं, उनका मीनिंग बहुत आपस में मिलता जुलता है। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, देह शब्द से देही शब्द उसी प्रकार बना है जैसे एक छोटा सा उदाहरण के लिए, जैसे कहना पंजाब से पंजाबी, गुजरात से गुजराती है ना, बिहार से बिहारी, हिमाचल से हिमाचली, मतलब कि जो उस जगह रहता है उसके साथ ही शब्द आता है, जुड़ा आता है। उसी तरह इस देह में रहने वाले को देही कहा गया है यहाँ पर। तो भगवान देही शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और इस जो ये गीता का जो अध्याय है दूसरा अध्याय, इसको सांख्य योग भी कहा जाता है। भागवत में पढ़ते हैं हम तीसरे स्कंद में भगवान कपिलदेव अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का वर्णन करते हैं। तो इसी अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान जो है शरीर तथा जीवात्माओं को अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है सांख्य योग में इस शरीर का जो ये भौतिक तत्वों से बना हुआ है ना, 24 तत्वों का वर्णन है वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो शरीर और आत्मा का अलग अलग वर्णन किया जाता है इस अध्याय में, तो इसलिए इसको सांख्य योग कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है, हम शरीर और जीवात्मा दोनों को अलग अलग नाम मान के हम अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं, जो कि अज्ञानता के कारण होता है। परंतु जो है भगवान यहाँ पर बड़े ही सरल तरीके से जीवात्मा और आत्मा को दोनों अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पे। और भगवान यहाँ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो इस देह में देही जो होता है वो अवध्य होता है, उसको किसी भी तरह से नहीं मारा जाता या मारा जा सकता। और साथ ही साथ भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए उकसा भी रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि इस युद्ध में जो तुम इनको मारोगे तो इनके सिर्फ शरीर, जो शरीर हैं देह हैं उनका ही बध होगा, पर जो देह के अंदर देही है जो आत्मा है उसका बध नहीं होगा। तो यहां पर इसमें एक और हम बात समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पर युद्ध के लिए उकसा रहे हैं अर्जुन को ना, ताकि इनका वध किया जा सके। अर्जुन के मन में ये था कि यहाँ मारे जाएंगे तो यह पाप लगेगा है ना, या फिर एक कारण और भी है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है उस टाइम दुख होता है, दर्द होता है, बल्कि आत्मा भी उस दुख को अनुभव करती है। हालांकि आत्मा से उस दुख का कोई संबंध है नहीं, पर आत्मा उस शरीर से आसक्त है इसलिए दुख का अनुभव करती है। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 5वें अध्याय के 18वां श्लोक में भगवान कहते हैं, जो ब्राह्मण होता है वो गाय कुत्ते बैल
इन सब को क्या करता है, बराबर समझता है, उनमें अंतर नहीं देखता। ये ब्राह्मण के लक्षण है, ये ब्राह्मण के लक्षण बताया गया वहां पे कि वो हर जीव को विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्ते ने कहते हैं शुनी चय सब अश्व पाके च पंडित समदर्शन विद्या विनय संपन्न है। जो विद्या विनय से संपन्न होता है ब्राह्मण वो क्या करता है, जो गवि हस्तिनी मतलब गाय हाथी शुनी कहते हैं कुत्ते को, च एव शुभ पाके तथा चांडाल जो कि कुत्ते का मांस खाते हैं है? उनको भी बराबर देखता है, एक नज़र से देखता है, भगवान गीता में कहते हैं। यहाँ पर तो भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि जो पंडित है वो कुत्ते चांडाल हाथी तथा ब्राह्मण को सभी को वो समान दृष्टि से देखता है। तो इसका अर्थ ये भी है कि जो जीव को अनावश्यक रूप से कष्ट ना पहुंचाया जाए, है ना। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये भी कहना चाह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है कि भगवान साथ में ये भी शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जीव को किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए, हालांकि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, तो फिर इससे आत्मा को दुख क्या हुआ। जैसे मैंने उदाहरण अभी कहा कि होता क्या है, हम इस शरीर में बहुत समय से रहते आए हैं, तो होता क्या, इस शरीर से हमारी आसक्ति होती है, आसानी से छोड़ना नहीं चाहता शरीर इंसान, तो उसको जब शरीर छूटता है उसका उसको दुख होता है, दर्द होता है। तो अर्जुन भगवान से यही कहना चाह रहे कि अगर मैं इनको मारूंगा तो इनको दुख का अनुभव होगा। तो इसका उत्तर सिंपल इतना है, भगवान यह कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि ये खुद युद्ध करने के लिए आए हैं, और जो युद्ध करने के लिए आता है उसमें डर नहीं होता मृत्यु का, कि वो खुद लड़ाई के मैदान में खड़ा, वो जानता है या तो मरूंगा या मारूंगा, वो निर्णय करके आता है इंसान, तो उसे दुख नहीं होता कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूं अगर मरता भी है तो, क्यों आया, स्वेच्छा से मरने के लिए है यहाँ पे। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं इस बात से कि अगर तुम यहाँ पे इनका वध करते हो, क्योंकि ये खुद लड़ने आए हैं, स्वेच्छा से लड़ने आए हैं, तो इनको दुख का अनुभव नहीं होगा और उनको शरीर से आसक्ति भी नहीं है इस टाइम, तो ऐसी परिस्थिति में इनको मारना क्या है, पाप नहीं होगा। तो अर्जुन को भगवान यहाँ इसलिए कहना चाह रहे कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, इनको मारने की चिंता मत करो आप। तो दूसरी लाइन में क्या शब्द यूज किया भगवान ने, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि, कि मतलब तुम्हें इसलिए सभी प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। तो इस बात से भगवान उसी बात को और अधिक पुष्ट कर रहे हैं, और अधिक क्या कर रहे हैं, स्ट्रोंग कर रहे हैं उस बात को, क्या जो पहली लाइन में कही थी भगवान ने कि देह में देही सदा अवध्य रहता है। अब उसी बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इस लाइन में सर्वाणी शब्द भगवान ने यूज किया है, सर्वाणी, और भगवान पहली लाइन में क्या यूज करते थे, सर्वस्य देह, तो दूसरी पंक्ति में सर्वाणी भूतानी, इन जो है दो शब्दों से भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पे कि ना ये आत्मा मरेगी, और जितने भी यहाँ पे युद्ध में हैं इंसान जो युद्ध में भाग ले रहे हैं इनके अंदर भी आत्मा है, तो इनके शरीरों का वध करने पे इनमें से किसी का भी अंत नहीं होगा। तो हमारे लिए यहाँ पे एक व्यवहारिक जो है भगवान शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए दे रहे हैं, क्या है कि अर्जुन शोक को त्याग दे, हमें भी किसी से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो ऐसा नहीं हम इसका मतलब निकालना चाहिए हम लोगों को कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण के उपदेशों को महत्वपूर्ण समझता है और उस तुरंत जो है किसी को शिक्षा देने लग जाता है। होता क्या है, हम देखते हैं कि हम जब सुनते हैं प्रवचन, सुनते हैं शास्त्र, पढ़ते हैं, तो उसमें से जो संदेश होते हैं हम उनको अपने जीवन में ना उतार के हम पहले प्रचार करने लग जाते हैं, दूसरों को ज्ञान हम बांटने लग जाते हैं, पर उस ज्ञान को, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में नहीं उतारते। पर लक्ष्य ये होना चाहिए हमारा कि गीता भागवत के उपदेश जो हैं, शिक्षाएँ जो हैं, रटने के लिए नहीं हैं,
ये है अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए। तो अर्जुन ने कैसे उतारी अपने जीवन में शिक्षाएं? अर्जुन ने उपदेश नहीं किया, पहले जीवन में उतारा। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सब ने शोक किया, अर्जुन ने शोक नहीं किया। जब सारा युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध के बाद जो है अर्जुन ने किसी भी योद्धा के लिए शोक नहीं किया, कोई आंसू नहीं बहाया कि हाँ ये मर चुके हैं, पर युधिष्ठिर महाराज ने बहाया। क्योंकि महाभारत में हम पढ़ते हैं, महाभारत के स्त्री पर्व में आता है वर्णन, महाभारत के स्त्री पर्व में युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र महाराज से मिलते हैं वहाँ पे, और धृतराष्ट्र महाराज को बताते हैं कि इस लड़ाई में 1,66,20,000 लोग मारे गए हैं। कितने? 1,66,20,000 इस युद्ध में जो है लोग मारे गए हैं। इस बात को लेके युधिष्ठिर बड़ा दुखी था और वो सोचता है कि ये मेरी वजह से सब मारे गए हैं, मैंने और युद्ध की इच्छा ना करी होती और मैंने युद्ध ना किया होता तो ये सारे नहीं मारे जाते। जितने लोग मारे गए हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, गुरु हैं, इन सब के सब लोगों को मैंने मरवाया है, इसका उत्तरदायी मैं हूँ। ये युधिष्ठिर अपने पे बात लेते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं क्योंकि गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, तो अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना पर युधिष्ठिर महाराज ने नहीं सुना, इसलिए युधिष्ठिर महाराज परेशान थे और बताते हैं कि इन सबको जो है मैंने मारा है, अब इसका प्रायश्चित नहीं है। कहते हैं कि अगर इनका प्रायश्चित करे भी कोई, हजारों यज्ञ कर ले, तो उसी तरह होगा जैसे शराब के बर्तन को शराब से धोना है ना, कोई गंदे बर्तन को जिसमें शराब पी गई हो उस बर्तन को आप साफ पानी से साफ करोगे या शराब से? पानी से साफ किया जाए तो साफ हो जाता है, पर शराब से ही शराब का बर्तन साफ नहीं होता। और ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मेरे इतने पाप हैं, इतने मैंने पाप किए, इतने लोगों को मरवा दिया मैंने, अब ये उसी तरह होगा, मैं चाहे इस बर्तन को जितना मर्जी साफ करूँ, ये कीचड़ से कीचड़ वाले बर्तन को साफ करने वाला होगा, शराब वाले शराब के बर्तन से साफ करने वाले होगा। कहते इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, बड़े दुखी थे वहाँ पे वो। और अपने को दोष दे रहे हैं कि मैंने सिर्फ लालच में आके इनको मारा है। तब व्यास देव जो थे उन्होंने उनको उपदेश दिया था, और व्यास देव बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं उनको, कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये जो काल चक्र है ये अपना प्रभाव डालता ही है, जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं धरती में प्राणी सब नष्ट होते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट नहीं होता है। इवन कहते धन, स्त्री, पुत्र, पिता, बंधु, भाई, जितने भी हैं, कहते हैं उनकी मृत्यु पे हमें कष्ट नहीं करना चाहिए या शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ये शरीर मेरा है, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो इसके लिए शोक क्यों करना इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, कहते हैं, क्योंकि ये जो लोग इतने पापी थे, खुद बता रहे हैं व्यासदेव विष्णु महाराज से, ये लोग खुद पापी थे और पाप को खत्म करने के लिए युद्ध किया जाए उसे हिंसा नहीं कहते, उसे हिंसा नहीं कहते, कह रहे हैं। और बता रहे हैं कि इस संसार में तो केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं। यहाँ पे हम जो है जिस सुख की लालसा के लिए कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तुम सुख की लालसा के लिए नहीं करा, तुमने क्या, तुमने किया भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की इच्छा थी, कृष्ण की इच्छा थी ये युद्ध हो, तो युद्ध हुआ ये। और कह रहे हैं कि वहाँ पे यदि अपने संबंधियों की वास्तविकता को अगर समझना है, बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है यहाँ पे एक आखिरी में, कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने संबंधी जो है, जिनको हम अपना संबंधी समझते हैं, उनकी जो वास्तविकता है, उनकी जो सच्चाई है कि वो मेरे हैं या नहीं है, ये जानना है और हमें चेक करना कि मेरे हैं या नहीं है, तो क्या करो? कहते हैं व्यासदेव कि इनके प्रति क्या करो, तुम अनुकूल ना होके प्रतिकूल आचरण करो, थोड़ी सी कमी कर दो इनके अंदर सम्मान में, तुम इनका सम्मान करना बंद कर दो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे कौन अपने हैं। ये व्यास देव बताते हैं वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को।
क्योंकि जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, हमारे फेवर में होती हैं, सब हमारे साथ अच्छा होता है, तभी ज़्यादातर सगे संबंधी साथ में आते हैं। जैसे परिस्थितियां विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, सारे के सारे सगे संबंधी की पहचान हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि तुमने जो इनका वध किया है वो धर्म के अनुसार किया है, धर्म के अनुसार तुमने इनका वध किया है, और इसमें कोई दोष नहीं है, इनको इनके पापों का फल मिला है। और इनको तुम नहीं मारते, इनको युद्ध में नहीं मारा जाता तो ये क्या है, नरक जाते। तो भगवान की कृपा थी, भगवान ने इनका उद्धार करना चाहा, और भगवान तो आई किस लिए थे, भगवान की तम कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युग, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आता हूँ, भगवान कहते हैं। तो इनको मार के धर्म की स्थापना करना भगवान का लक्ष्य था, और तुम धर्म के प्रतीक हो, धर्मराज हो, तो धर्म का राज होना जरूरी है, इसलिए युद्ध हुआ है। तो ये जितना भी लोग मारे गए तो भगवान की इच्छा से मारे गए हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की तरफ से एक थोड़ा सा संदेश है हमारे लिए, एक संकेत भगवान हिंट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि यदि यहाँ पर अगर शब्द यूज हुआ है सर्वाणी भूतानि, सर्वाणी भूतानि जितने भी भूत हैं, यानी यहाँ पर जीव हैं जो युद्ध के लिए खड़े हैं, युद्ध भूमि में जो उपस्थित हैं, जो मरने के लिए ही आए हैं, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर इन समस्त योद्धाओं की मृत्यु का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वाणी भूतानि शब्द यहाँ पे हम सब जीवों के लिए, जितने भी हैं उनके लिए ले सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी यहाँ युद्ध में मारे जाएंगे उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे अर्जुन को इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सब मारे ही जाएंगे। इस बात को हम समझेंगे 11वें अध्याय में, जब 11वें अध्याय में पहुँचेंगे हम, तो 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा, अभी अर्जुन कह रहा कि मैं इनको मार रहा हूँ या मैं इनको मारूंगा, पर 11वें अध्याय में अर्जुन देखता है कि मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। अर्जुन देख रहा है कि यह भगवान अपना विराट रूप दिखाया, तो जितने भी हैं विपक्ष के हैं या पक्ष के हैं, दोनों तरफ के योद्धा हैं, चाहे द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, जितने भी कर्ण हैं, विकर्ण हैं, सारे के सारे, पूरी की पूरी सेना भगवान के मुख के अंदर जा रही है, उनका नाश हो रहा है। तो वो देख पा रहा कि सबको, सब जितने भी हैं, सबका वध भगवान के द्वारा हो रहा है, सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं काल के रूप में, भगवान काल के रूप में, तो वो प्रकट ही हुए काल के रूप में यहाँ उनका वध करने के लिए। तो इसलिए ये वजह थी कि जब युद्ध खत्म हो गया, गीता सुन ली, गीता सुनने के बाद अर्जुन को पता चल गया कि इनका वध मैंने नहीं किया है, तो अर्जुन को शोक नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, पर युधिष्ठिर को हुआ, क्योंकि उसने नहीं सुनी थी गीता। तो इसमें हमारे लिए शिक्षा क्या है, इस श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, जितने प्राणी हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र हैं, या फिर पूरे विश्व में जितनी भी अव्यवस्था है, अन्याय है, दुनिया में व्यभिचार हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, सारे, इवन पूरी दुनिया गलत काम की तरफ ही है, 99.9% लोग जो है गलत कामों में लगे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम टीवी उठा के तुरंत रिमोट हाथ में लेके बैठ जाते हैं ताकि पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की चिंता हमें ज़्यादा पड़ी है। कहते दुनिया से हम टीवी नहीं देखेंगे, न्यूज नहीं सुनेंगे, तो न्यूज नहीं सुनेंगे तो क्या दुनिया से कट जाएंगे हम लोग। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमें बेवजह इनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए किसके लिए, अपने लिए। हमें चिंता करनी चाहिए कि हम बार बार इस जन्म मृत्यु चक्र में क्यों फंस रहे हैं, हमें इसलिए चिंता करनी चाहिए, और ये शोक का कारण है। हमें शोक करना चाहिए कि कैसे हम इससे मुक्त हों, हमें चिंता करनी चाहिए करोड़ों जन्म निकल गए, लाखों करोड़ों जन्मों से हम यहाँ पे ब्रह्मांड भ्रम घूम रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव लगे हुए हम सब। कोई भाग्यवान जीव होता है वही समझने का प्रयास करता है, नहीं तो ये कष्ट तो खत्म होते कभी नहीं, और हम इन कष्टों को और बढ़ा रहे हैं अपने।
अगर बीमारी है हमें, कोई शरीर में रोग है, तो हमें उसका उपचार करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, ना कि उसको बार बार देखना चाहिए, हम उसके बारे चिंतन करना चाहिए। हमें चिंतन नहीं करना है उस चीज़ का, बार बार हमें उसका उपाय ढूंढना है। हम चिंतन करते हैं, बैठते हैं उस पर विचार करते हैं, हाय ये हो गया, ये हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, मरेंगे, उसको नहीं रोक सकते आप। पर जितना दिमाग वहाँ हमें खपाते हैं हम लोग कि हाँ इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, उतना दिमाग अपनी सेफ्टी में बरतें, तो खुद करें और करवाएं लोगों को। इस बात पे चिंता करनी चाहिए। हम ये चिंता क्यों नहीं करते कि लोग क्यों मर रहे हैं सारे? भगवान ये अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम चिंता कर क्यों रहे हो, ये तो अपने कर्मों के चलते मर रहे हैं सारे, इनके कर्म गलत थे तो मर रहे हैं, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं यहाँ पे। तो लोग इस बात की चिंता करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, कभी क्या हो गया, आतंकवाद बढ़ गया, अब कोरोना आ गया, ये सब चिंता है लोगों के लिए। भक्तों में चिंता नहीं करनी चाहिए। सही कहूँ मेरा नज़रिया क्या है, मेरा नज़रिया कोरोना को मैं वायरस नहीं मानता, मैं एंटी वायरस मानता हूँ इसको। मेरी नज़र में ये एंटी वायरस है। जानते हैं एंटी वायरस किसे कहते हैं? जब मोबाइल हैंग होने लगता है, कंप्यूटर हैंग होते हैं, तो उसमें एंटी वायरस डालते हैं, ताकि क्यों, उस मोबाइल के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल हैं, जो करप्टेड फाइल हैं, उनके चलते कंप्यूटर और मोबाइल स्लो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, और एंटीवायरस डाउनलोड होने के बाद अपने आप मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाता है, मोबाइल काम करने लग जाता है। उसी तरह जो ये एक्चुअल वायरस कौन है, वो इंसान है। एक्चुअल वायरस इंसान है। इतना गंद मचा रखा है इस इंसान ने, इस इंसान ने अपनी जीवा की संतुष्टि के लिए बेजवान जानवर को काट के खा जाता है। अपना मकसद सिद्ध होना चाहिए। सबसे स्वार्थी अगर कोई धरती पर प्राणी है तो वो इंसान है, जानवर नहीं है। सबसे स्वार्थी इंसान होता है, सिर्फ उसे अपना स्वार्थ ही चिंता है, अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ों की खुदाई करता है, सुरंगें निकाल देता है, तो बाद में लैंडस्लाइड होने लग जाती है। जब सुरंगों को खोदा जाएगा, पहाड़ों को खोदा जाएगा, तभी तो लैंडस्लाइड होता है। धरती को खोद के उसके अंदर सुरंगें बनाई जा रही हैं, धरती कमज़ोर हो रही है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं लालच के चलते। जो जिस बिल्डिंग की बुनियाद, मतलब कि नीम कच्ची बना के उसमें 100-100 मंजिला खड़ी कर देते हैं, तो बिल्डिंग गिर जाए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान से खेल जाए, उसे कहते हैं इंसान। केरला में देखा था, एक मिनिस्टर में सड़क पे एक गाय को कटवा के उस गाय का मांस पकवाया और साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, ये मिनिस्टर केरल के। नेपाल में हजारों लाखों जानवरों की बलि दी जाती थी, केरल तबाह हो गया उस टाइम जब बलि दी गई थी, उस गाय को काटा, नेपाल में लाखों जानवरों की बलि देते थे, वो नेपाल तबाह हो गया। जहाँ जहाँ पे इंसान प्रकृति का विरोध करता है, प्रकृति के अगेंस्ट जाने की जरूरत करता है, तो भगवान एंटीवायरस डाल देते हैं उस जगह पे। वो एंटीवायरस क्या है, फिर उस बीमारी को ख़त्म करता है। तो इंसान बीमारी, असली बीमारी तो वायरस तो इंसान है, तो ख़त्म होना चाहिए ऐसा इंसान, तो भगवान ऐसे वायरस को ख़त्म करेंगे। हमें ये सीखना है इस मैसेज से कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। इंसान वो जो तह तक जाए, उसकी वजह हम हैं। हम गलत काम करना छोड़ दें, हम गलत कामों में जो लगे हुए हैं उनको छोड़ दें, भक्ति में लगें। अब देखो समाज में सब दुनिया कन्फ्यूज है, परेशान है, एक भक्ति बैठे जो आराम से मजे से लगे हुए, वो तो प्रचार कर रहे हैं लोगों को क्यों भक्तों को टेंशन नहीं है, वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता। ठीक है, हो रहा सो हो रहा है, हमारे कर्म हैं, भोगने पड़ेंगे, ये वो बात मानता है, ये होता शोक। वो अपने बारे में सोचता है कैसे यहाँ से निकलें, ये जो हो रहा है प्रकृति की तरफ से हो रहा है, वो अपना काम करेगी करेगी। जब इंसान प्रकृति के अगेंस्ट जाएगा, वहाँ पे उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। आज देख लो, इंसान की बनी कोई भी चीज़ काम आ रही है? इंसान की बनी एक भी चीज़ काम नहीं आ रही आज है। रेलें, हवाई जहाज, गाड़ी के टीन के डब्बे सब खड़े पड़े हैं, हमारी हम मंगल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हमारी सब सब के सब उपकरण जो हैं खड़े हैं, किसी काम की नहीं है। काम क्या आ रहा है? अनाज इंसान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, अनाज काम आ रहा है। काम क्या आ रहा है? हवा भगवान ने दी है कि इंसान ने दी है? भगवान ने दी है हवा।
तो पता चलता है कि इंसान ना छोटी सी, इंसान को जीने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए हैं, जो चीज़ें हवा पानी है, अनाज है, वो मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं। पर हमने जितने भी अपनी अचीवमेंट्स करी हैं, जितनी उपलब्धियां हमारी हैं, आज कोई भी काम नहीं आ रही, सब जीरो हैं आज। मतलब हमारे बड़े से बड़े साइंटिस्ट मूर्ख साबित हो गए, जिन्होंने मूर्खों ने पूरे जीवन लगा दिया, धन लगा दिया समाज के लिए, आज उनकी कोई चीज़ काम नहीं आ रही है। और ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लोगों को गलत साबित कर, शास्त्रों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं सारे। भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, बाकी सब स्वीकार करेंगे। मशीनों में अनाज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अनाज धरती में पैदा होता है ना कि मशीनों में। धरती को खत्म करके उसको बंजर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। जब बिल्डिंगें बनती रहेंगी, जमीन कहाँ बचेगी, फिर अन्न कहाँ से खाओगे? भागवत में वर्णन है, आगे पढ़ेंगे आप। एक टाइम ऐसा आएगा लोग इंसान को इंसान काट के खाएगा, क्यों? खाने के लिए अन्न नहीं होगा, क्योंकि जमीन ही नहीं होगी। ये सच्चाई, इस बात पे शोक करना चाहिए। हम देखते हैं रामायण में हनुमान ने शोक किया। क्यों शोक किया हनुमान ने? भक्त को शोक होता कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, भक्ति करते समय मैं भक्ति सही से नहीं कर पा रहा, इसलिए शोक होता है। तो हनुमान को शोक किस बात पे हुआ था? रामायण में लिखा है, जब हनुमान जी लंका गए, पूरी लंका जला डाली हनुमान ने, लंका जला दी, तो बड़े दुखी हुए। दुखी इस बात पे नहीं कि लंका जल गई, दुखी इस बात की कि मैं मूर्ख, मैं बंदर बुद्धि का हूँ। हैं, बंदर कहते कम बुद्धि के होते हैं, कहते मैं बंदर हूँ, मुझे इतना बुद्धि नहीं मेरे अंदर कि मैं जब लंका को जलाया तो मैंने ये भी सोचा हो कि उसमें सीता भी है, कम से कम सीता के लिए कुछ, सीता माता के लिए कुछ व्यवस्था तो कर लेता ताकि सीता सुरक्षित रहती। कहते मैं बंदर बुद्धि के चलते पूरी लंका को जला दिया, मैंने उस सीता के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने सीता को मार दिया। इस बात पे दुखी हैं हनुमान जी, कहते सीता खत्म होंगी तो राम जी खत्म हो जाएंगे, तो उनको इस बात का दुख है। जब उन्होंने देखा, चेक किया, हाँ मैं सीता सुरक्षित, तब उनको एहसास हुआ, तो दुख होता है। भक्त को दुख होता है, हनुमान को दुख हुआ क्योंकि मैं सही से सेवा नहीं कर पाया, मुझसे गलती ना हो जाए कहीं सेवा करते समय। ये सुख एक्चुअली शोक करने की बातें ही होती हैं, असली जो है शोक इन बातों में करना चाहिए। तो इस जो स्टोरी से कैसे हनुमान ने शोक किया, इनसे हमें क्या सीख करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, तो इस सब घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें उन व्यक्तियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हनुमान ने सिर्फ सीता के लिए चिंता करी, पर वहाँ हजारों लोग जल के मर गए, हनुमान ने उनकी चिंता नहीं करी कि मैंने उनको मार दिया। मारने तो मैं रावण को गया था, सीता को पता करने आया था, सीता के चलते मैंने हजारों लोगों को मार दिया, हनुमान ने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा कि मैंने उनको मारा है। मतलब हमें उन व्यक्तियों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भगवान से विमुख हैं। हमें चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो तो नरक जा ही रहे हैं। हमें चिंता करनी चाहिए कैसे हम भक्ति करें, कैसे यहाँ से निकलें। उनके मरने की चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें चिंता होनी चाहिए, भक्त चिंता करता है वो इसके लिए कि इनको कैसे बाहर निकाला जाए, इनका उद्धार कैसे किया जाए। हमने कौन कौन से गलतियाँ कर दी भक्ति करते समय, हम माला नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से, हमारी नाम में रुचि नहीं आ रही है, हमें आग ही नहीं है हमारे अंदर। हम कितने, बताओ कितने हम उत्साहित होते हैं भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए। शास्त्र में बताया गया है जब तक साधु संग नहीं करेंगे, श्रद्धा होगी तो साधु संग होगा, साधु संग होगा तभी अनर्थ निवृत्ति होगी। क्योंकि साधु संग करेंगे तभी अनर्थ निवृत्ति होगी, क्योंकि क्यों होगी? क्योंकि साधु भजन में लगाएंगे, वो प्रेरणा देंगे हमें, हरि नाम की महिमा बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की भक्ति के बारे में सुनेंगे, उसी के बाद हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति। इसलिए कहते हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। हमारा लक्ष्य होना चाहिए अनर्थ निवृत्ति करना। हमारे अंदर अनर्थ भरे पड़े हैं सारे, ये हमें इन अनर्थों के बारे में सोचना चाहिए कैसे इनसे बाहर निकलें।
और इन अनर्थों से निकलने का बाहर एक ही रास्ता है, वो क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जब इन बातों पे हम गंभीर होंगे हैं, तब हम यहाँ से निकलने की योग्य हो पाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इवन प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है तात्पर्य में, अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में उनके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। असली कर्तव्य हमारा यहाँ से निकलना, उस पर ध्यान हमें देना है। रोज हमें चिंतन करना चाहिए, रोज चिंता करनी चाहिए। कहता चिंता नहीं करते, कुछ चिंता चिता समान, एक बिंदी का अंतर है चिंता और चिता में, बराबर ही है। तो चिंता चिता समान होती है, तो चिंता करनी है। चिंता किस बात पे करनी है? हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, तो इस बात पे चिंता करनी है, ठीक है। रोज हमें चिंतन करना चाहिए। मैंने कल भक्ति करी थी, मैंने कल 16 माला करी थी या 2 माला 4 माला जो भी करी है, तो क्या क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट है? जो मैंने कल माला करी थी और जो आज माला करी है, कुछ इम्प्रूवमेंट है? कल मैं इस टाइम उठ पाया, लेट उठा, आज मैं थोड़ा और जल्दी उठूंगा, इस बात पे चिंता करनी है। तो रोज़ हमें ना अपनी तुलना करनी चाहिए पिछले कल से, कि मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट करी है, रोज पिछले कल की तुलना में आज मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? इसकी एक ही पहचान है, वो क्या है? हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये कम हुए हैं नहीं हुए? जैसे हमारी भूख कम हुई है या नहीं, इसकी क्या पहचान है? जितने कोर हम हैं, निवाले हम मुंह में डालेंगे, आपको खुद संतुष्टि का अनुभव होगा, तृप्ति का अनुभव होगा कि हाँ मेरी भूख कम हुई है। उसी तरह ही हम जैसे मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन लेने से क्या होता है, हमें खुद पता चलता है मैं ठीक हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। उसी तरह हम भजन कर रहे हैं, ये मेडिसिन है, हम जितना भजन करेंगे हमें खुद पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कम हो रहे हैं नहीं हो रहे। अरे हो रहे हैं तो मतलब भक्ति में तरक्की कर रहा हूँ, भक्ति में मैं एडवांस हो रहा हूँ आ गया। अरे नहीं हो रहे हैं तो मतलब गड़बड़ है, हमारी भजन में कमी है, तो भजन में कमी है। हमें इस बात पे ध्यान देना कि कमी कहाँ पे है ना, उस कमी को हमें ढूंढना है, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।